हे गाइस, तो कैसे आप सब दोस्तों। अपने इंडिया में अधिकतर लोगों की जो स्किन है वो एक्ने प्रोन स्किन है, यानी कि अपनी जो स्किन है उस पर एक्ने बहुत ही इजीली हो जाते हैं, एंड उसकी वजह है हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशन। तो भाई आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाला है, एंड मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि फ्रॉस्ट ब्रांड ने अपना न्यू एंटी एक्ने जेल लॉन्च किया है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, एंड ये हमारे एक्ने एंड पिंपल को किस तरह से ट्रीट करता है, एंड हमारे स्किन को किस तरह से अमेजिंग बनाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो भाई इसके अंदर की बात करने से पहले इसके बाहर की बात करते हैं। इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार है, इसको आप जिस भी जगह पर रखोगे उस जगह की शोभा एकदम बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी जो बॉटल की डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है। अब भाई करते हैं इसको ओपन, एंड देखते हैं इसके अंदर की स्पेसिफिकेशन कैसी है। तो आप इसको जैसे ही स्मेल करोगे इसके अंदर से एक ठंडी सी मन भावक स्मेल निकलेगी। भाइयों फ्रॉस्ट का ये जो एंटी एक्ने जेल है इसमें डाला गया है 10 से भी ज्यादा पावरफुल अमेजिंग इंग्रेडिएंट, तो उनके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो डाला गया है वो है टर्मरिक। भाई टर्मरिक यानी कि हल्दी हमारे यहाँ पे आयुर्वेदा के टाइम से या फिर साइंस के हिसाब से भी बहुत ही अमेजिंग होती है हमारे स्किन के लिए। इसलिए भाई हमारे जो इंडियन वेडिंग्स होती है उसके थोड़े दिन पहले से ही दूल्हे के चेहरे पे और उसकी बॉडी पे हल्दी का लेप लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हल्दी के अंदर होते हैं एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जो कि हमारे स्किन से ना सिर्फ पिंपल एंड एक्ने को ट्रीट करती हैं बल्कि हमारे स्किन पे ग्लो भी ऐड करती हैं। भाई दूसरा जो इसके अंदर पावरफुल इंग्रेडिएंट है वो है भाई इसमें टी ट्री ऑयल। भाई टी ट्री ऑयल डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा सजेस्ट किया जाता है एक्ने को ट्रीट करने के लिए। भाई टी ट्री ऑयल जो है वो कम्फर्ट फैमिली से है, एंड ये इसमें डाला गया है इसी वजह से इसके अंदर है एक ठंडी सी खुशबू आती है। तो टी ट्री ऑयल ना सिर्फ हमारे चेहरे पे एक्ने एंड पिंपल को ट्रीट करता है, ये हमारे स्किन पे एक कूलिंग इफेक्ट भी प्रदान करता है। भाई इसके अंदर तीसरा जो पावरफुल अमेजिंग इंग्रेडिएंट डाला गया है वो है भाई स्किन केयर के अंदर किंग। ये हमारे स्किन की हर प्रॉब्लम को ट्रीट करने में हमारी हेल्प करता है, एंड भाई उसका नाम आप समझ गए होंगे। जी हाँ भाई मैं बात कर रहा हूँ एलोवेरा जेल की। एलोवेरा में तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि स्किन की हर प्रॉब्लम को वो ट्रीट कर सकती है। भाई इसके अंदर चौथा जो अमेजिंग इंग्रेडिएंट डाला गया है वो है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर भाई आप जानते हैं ये हमारे स्किन पर कूलिंग इफेक्ट प्रदान करता है। इसके भाइयों इसमें डाला गया है लिक्रोस एंड मंजिस्टा और इसी तरह के 10 से ज्यादा पावरफुल नेचुरल हर्ब्स। ये हमारे स्किन से पिंपल एंड एक्ने को तो ट्रीट करता ही है, बट साथ ही हमारी स्किन को रिजुविनेट करके हमारे स्कार्स को भी लाइट बनाता है। भाइयों अब बात करते हैं इसको यूज करने के तरीके की। तो भाइयों इसको यूज करने का तरीका काफी ज्यादा इजी है। सबसे पहले तो आपको अपने चेहरे को फेस वॉश से धोना है। फेस वॉश से धोने के बाद अपने चेहरे को क्लींस करने के बाद में आप अगर आपकी स्किन ऑयली या फिर नॉर्मल स्किन है तो आप इसको डायरेक्टली अपने चेहरे पे अप्लाई करें। इसके अंदर एलोवेरा भी दिया गया है तो ये आपके स्किन को हाइड्रेट भी कर देगा, तो आपको अलग से मॉइस्चराइजर लगाने की भी जरूरत नहीं है। एंड गाइस अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको लगाने के बाद में थोड़ा सा मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं। एंड गाइस पर्सनली ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। एंड गाइस अगर आपको भी इसको चेकआउट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप चाहे तो वहां से इस अमेजिंग प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो भाइयों आई होप आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड साथ ही फैशन ग्रूमिंग लाइफस्टाइल की सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियोस पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल फैशन निक को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश एंड कीप स्माइलिंग।